बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल मार्बल ग्लेज केक। इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम शुगर लिया हुआ है, 50 ml मिल्क लिया हुआ है जिसे मैंने पूरा ऐड कर दिया है। यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एगलेस, और इसमें मैंने कोई भी दही यूज़ नहीं की है। अब तभी भी आप देखना इसका स्पंज बहुत ही परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे एक छलनी ले लिया है मैंने, उसमें मैंने 150 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लार यानी मैदा डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है, और 1-2 ड्रॉप हम येल्लो कलर ऐड कर देंगे। सभी इन्ग्रीडियंट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1-2 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमें ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है जिसे मैंने मैदे से डस्ट कर लिया है। आप देख लें चारों तरफ अच्छी तरह से हम मैदे से इसे डस्ट कर लेंगे, और इसके अंदर मैंने अपना बैटर को पोर कर दिया है। 2-3 दफ़ा आप टैप टैप कर लें। यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे इसे प्रीहीट पे रख दिया था, और 30-35 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है केक की वो मिनिमम 300 ग्राम का केक बना था, इसलिए ये जल्दी बेक हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं बिना अंडे के बिना दही के कितना अच्छा स्पंजी केक बना हुआ है बेस हमारा। हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको थ्रेड से डिवाइड करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे आप केयरफुली डिवाइड कर ले 3 पार्ट में। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चिल व्हिपिंग क्रीम लिया हुआ है, तो इसे हम अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड किया है। सभी को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मिनिमम 6 मिनट में अच्छी तरह से हमारा क्रीम जो था वो व्हिप हो गया था। जब क्रीम की क्वांटिटी कम होती है तो टाइम भी कम लगता है, और अगर क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे व्हिप करने का टाइम भी बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने टर्निंग टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है, और उसके ऊपर मैंने केक का फर्स्ट बेस रख दिया है। यहाँ पे हम केक को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया और 3 टेबल स्पून पानी। सबको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके, और आप केक के जो हमारा स्पंज है उसको अच्छी तरह से सोक कर दें। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर पे क्रीम अप्लाई करके उसके बाद मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया है लगभग 1 टेबल स्पून, और सेम प्रोसीजर हम अपने सेकंड वाले बेस के साथ भी करेंगे। उसको आप अच्छी तरह से सोक कर लें, उसके बाद क्रीम अप्लाई करें, उसके बाद हमारा जो पाइनएप्पल क्रश है वो अप्लाई कर दें। टॉप लेयर रखेंगे, टॉप लेयर को भी अच्छी तरह से हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे, और आप इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। टॉप लेयर पे हम थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम अप्लाई करेंगे, और मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ लिया हुआ है, उसे मैंने चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो आप अच्छे से केक की कोटिंग कर लें पैलेट नाइफ की मदद से। आप अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे क्रीम से कोट कर देंगे, और उसके बाद मैंने कार्ड का इस्तेमाल किया। कार्ड से मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से क्रीम को इवनली सेट कर दिया है, और आप यहाँ पे जिससे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे इसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हम मार्बल ग्लेज केक बना रहे हैं, तो ये वैसे भी पूरा कवर अप हो जाएगा, तो फिनिशिंग में थोड़ी कमी रहे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से फिनिशिंग देने के बाद इसे कार्डबोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि इसकी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। मार्बल ग्लेज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 18 ग्राम वाइट कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है, 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आप इसकी जगह पे अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। बॉइलिंग मेथड से आप इसे मेल्ट कर लें या 1 मिनट माइक्रोवेव कर लें। इसे मैंने एक छलनी से अच्छी तरह से छान लिया ताकि इसके अंदर कोई चंक्स ना रहे, और ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसे एकदम ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा वार्म रहे
तब हम इसे केक पे पोर करेंगे। इसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप रेड और 2-3 ड्रॉप येलो कलर ऐड कर दिया और एक टूथपिक की मदद से हल्का सा इसे स्प्रेड कर दिया। ज़्यादा ओवर मिक्स हम नहीं करेंगे। नीचे मैंने एक प्लेट रख लिया है, उसके ऊपर एक जाली और उसके ऊपर हम अपना केक रख लेंगे ताकि हमारा जो ग्लेज है वो वेस्ट ना हो। और इसके ऊपर मैंने जो हमारा ग्लेज था वो मैंने पोर कर दिया है। फर्स्ट मैंने जो पोर किया वो थोड़ा लाइट कलर था। जैसे जैसे आप पोर करेंगे नीचे वाली शेड आपकी डार्कर और डार्कर होते चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो हमारा ग्लेज था वो मैंने पोर कर दिया है और इसके बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। और जो हमारा स्प्रेड वाला ग्लेज था उसे मैंने सारा क्लीन करके आप उसे स्टोर कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार नोज़ल में क्रीम फिलअप कर लिया है और मैं नीचे फिनिशिंग के लिए थोड़ी सी एक डिज़ाइन बना लूँगी। ये जो आप लीफ देख रहे हैं ये मेरा होममेड है। अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी। ये मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट से बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ले लिया है। तो हम यहाँ पे एक रोज़ बनाएंगे जिसमें मैंने R11 नोज़ल लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक रोज़ बनाया हुआ है। तो आपको अगर मेरी ये सब वीडियो डिटेल में देखनी है तो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 रोज़ बनाया है, आप देख सकते हैं। R11 नोज़ल मैंने यहाँ पे लिया और व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा मैंने रेड कलर ऐड कर दिया था ताकि ये थोड़ा ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिखे। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा ऑरेंजिश हमारा जो फ्लावर वो दिख रहा है। यहाँ पे मैंने दोनों रोज़ को अच्छी तरह से बना लिया। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और एक सीज़र की मदद से मैंने धीरे से इसे उस पे से निकाल के केक पे सेट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है कलरफुल। और ये जो हमारा चॉकलेट लीफ है ये भी मैं आपको बता दूँगी कि कैसे बनाया जाता है। हमारा परफेक्ट पाइनएप्पल मार्बल ग्लेज केक रेडी है, आप देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं सज्जू कैन कुक। यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पंजी है और इसके अंदर कोई भी अंडा दही कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं।